राम राम जी सारे ने, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, जो सब अच्छे ही रहने चाहिए जी। हम तो भगवान से ये दुआ करते हैं सब अच्छे ही रहे जी। शाम का टाइम था और खाने का टाइम हो रहा था, खाना खुना दिया था बना, और यहाँ पर मैं खीरे काट रही थी और टमाटर काट रही थी। टमाटर को मम्मी ने मना कर दिया, फिर मैंने खीरा ही काटा था। और यहाँ चल रहा था नाटक, तो भी हम साथ के साथ में नाटक भी देखते हैं। तो फिर मम्मी का टाइम पास हो गया है। ये नीचे LED रख रखी है, क्योंकि वो ऊपरली पता नहीं क्यों ये LED करके मैंने धनस है, 3-4 साल भी नहीं चल दी नू नहीं मेरा, कितनी LED ख़राब हो गई है और स्क्रीन पर लाइट नहीं आ रही, वैसी आवाज़ आ रही थी। तो मम्मी का टाइम पास नहीं हो रहा था हस्बैंड जी, फिर दूसरी या नीचे LED ले आए। तो फिर आ गए थे हस्बैंड जी, फिर मम्मी के रोटी खाते खाते मम्मी को तो दे दी थी, फिर मैं कहा चलो हम भी साथ में खा लेते। किटू जा रहा था अकेडमी में, किटू आया करे लेट, तो फिर वो लेट आया करे, तो फिर वो रोटी बाद में खाया करे है, क्योंकि फिर आकर नहावे धोवे और कभी कभार तो पढ़ लिया करे, कभी कभार पहले खाना खा जाया करे, क्योंकि दूध ली जाया करे अकेडमी में, केले ले जाया करे, कभी कभार खाता ही नहीं क्योंकि मैं कह दे भाई छक जाऊँ। तो फिर ये आ गया, फिर बोला मम्मी पहले रोटी खवा दे, मैं ही खवाया करती, लेकिन पता नहीं खुदा ने खास्ता क्या हुआ, वो लोग बना रहे थे, तो इसने शर्मिंदी करके तो अपने आप ही खाना खाया। तो घी रख रखा था मैंने, टमाटर इन्होंने भी मना कर दिया क्योंकि टमाटर अब कोई खाता ही नहीं, तो टमाटर का सलाद किसी ने नहीं लिया, ना मम्मी ने लिया और ना हस्बैंड जिया ने लिया, तो फिर मैंने भी नहीं लिया मैंने भी लिया जब इन्होंने मना कर दिया। तो भी मैं यहाँ पूछ रही थी क्योंकि इसके 2-3 दिन हो गए, मैं लेसन याद करवा रही थी, तो मखा क्या रहा, तो ये कह रहा था कुछ नहीं रहा अभी, ना सुने सुने तो हैं पर टेस्ट बोल रखा है। तो फिर मखा मेरे को सारा दिन यही टेंशन रहती, पता नहीं बेटा का लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो याद तो करता है। तो भी फिर ये यहाँ खाना खा रहा था, चलो भी मखा बेटा खाना खा लो, फिर मैं उसके बाद ही उठूँगी, और रोटियों से मना कर दिया था। फिर मैंने और भी घी रख दिया था, मखा चल रोटी खा ले आराम से बैठ के। फिर मैं जो अखबार आ रहा था तो मैं नाटक भी देख रही थी साथ के साथ में, और क्योंकि ये आवाज़ कर रखी है बंद हमने, आवाज़ में फिर है ना वो आ जावे है पिला डोलर, तो इसलिए तो टीवी की सारी आवाज़ बंद कर रखी थी। तो फिर मैंने हस्बैंड ने तो साथ में ही खा लिया था खाना, और भी चलो मखा बेटा तू खा ले, तो भी ये खाना खा रहा था। तो फिर एक बात बताओ मेरे को, तो मैं पता नहीं क्या कह रही थी इसके, तो उस टाइम पर पता नहीं बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, फिर कुछ कारण से सारा वीडियो में नहीं दिखा सकती, तो उससे फिर वीडियो में बंद करनी पड़े, क्योंकि नून तो उसकी TV की आवाज़ चल रही है तेज़ से, कूलर की आवाज़ चल रही है, तो इस करके नहीं दिखा पाई। तो फिर मैं कहा चलो टमाटर तो रख दो फ्रिज में, और रात का टाइम है भाई सारे सो गए थे। फिर सारे सोने के बाद देखो मैंने किटू को भी पढ़ाया, किटू को खाना खिलाया, उसी दिन की बात है। फिर ये रात के 10 बजे हुए हैं, 10 बजे फिर मैं चलो मैं वीडियो एडिट कर लेती, फिर यहाँ मैं इसको पढ़ाने लगी थी, मैं कहा चलो मैं पढ़ा लूँ। फिर मैं यहाँ दूसरे फ़ोन में कॉमेंट देखने लगी भी किस किस की कॉमेंट आ रही है, कॉमेंट बहुत अच्छी अच्छी आने लगी है, वे ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमेंट भेजते रहो और मन खुश होता रहेगा। आर्ट ऑफ नेचर को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, सुभाष चंद्र को भी बहुत सारे हैं जो अच्छी कमेंट करते हैं और मन खुश हो जाता है, जो दिल से लगाव करते हैं। और भाई देखो यहाँ में 4 दिन हो गए किटू को पढ़ाते हुए, देखो एक बात बताओ, बच्चे को एक पेज डेली का एक पाठ याद करना बता दे तो बच्चा है ना पक्का याद कर ले, लेकिन तुम ही बताओ, मैं बेटे को रोज़ गुस्सा करती हूँ, बेटा ऐसे याद नहीं कराया कर वो या करते, चाहे तू भिन्ना रट्टा लाए रहा, 15 पेज याद करने दे रखे हैं, जिस तरह संज्ञा किसे कहते हैं, उस संज्ञा के भेद, और भाई ये लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, पुलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो भी मैंने तो ये कहा एक बार पढ़ा दे बस, एक बार पढ़ा दे बस, मैंने उसका मतलब विस्तार से समझा भी दिया, जिस तरह स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से हमें जाति का बोध हो इसे स्त्रीलिंग कहते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हमें भी याद हो गई है। अब ये भी सोचते हैं देखो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कितना जल्दी याद हो गया, लेकिन हमारे टाइम पर हमें भी याद नहीं होता था इतना जल्दी, तो ये थोड़ा पकड़ ले है। तो जिस तरह मैं
इसको याद कराती हूँ, समझा कर याद कराती हूँ, तो ये पकड़ ले है बात ने, तो इसलिए इनका कहा एक बार पढ़ ले। तो वो ये है ना 15 पेज है, 15 पेज मखा बच्चा है ना एक महीना में कर ही नहीं, एक महीना में भी नहीं कर सकता बेटा, एक एक पेज याद करो, मैडम सुने तब याद होया करे। मैडम बोलते हैं कि भाई ये इतने एक पाठ दो पाठ याद कर लाइए, मैं टेस्ट लूँगी तो अगला दिन फिर कह देंगी, अगला दिन नंबर कम आए तो दोबारा करियो, ऐसे मखा याद नहीं हुआ करते, मखा मैं जाऊँगी आपके तेरे स्कूल में। तो बोला मैं स्कूल में ही नहीं जाऊँगा, स्कूल में नहीं जाना तो पीटी में बोल कर आऊँगी, ऐसे मखा याद नहीं कराया करते हम भी बच्चे, इतना तो जाना के हो गया स्कूल में पढ़ाते नहीं तो बच्चे को कैसे याद हुआ है। तो जिस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, तो इस तरह से पता नहीं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे याद होंगे। सिक्स्थ क्लास में है और फिर वही जुकर इनके वाचक ये इस तरह से मतलब बहुत सारे हैं। तो मैं तो बोल दिया, फिर मेरा छो उठ गया कि सारा दिन काम करो, फिर मखा तू खुद भी दुरा सका है लेकिन खुद नहीं दुरांदा, सारा काम करका मेरा इंतज़ार करता रहेगा, कोल भरी मम्मी आवेगी, कोल भरी मतलब मेरे को पढ़ावेगी। तो भी फिर मैं इसने फिर मैं भी नुआ सोचूँ देखा दे स्कूल में लाग बेचारा कह चलो मैं पढ़ाई दूँ, फिर भी थोड़ा का वो करके ना पढ़ाना शुरू कर दूँ मैं, फिर भी मेरे पढ़ाई उड़ू उसका याद हो जाए है। एक बार फिर पीटीएम में जाऊँ तो होगी बोल का आऊँगी भाई रोज़ का ना बच्चे को एक एक पाठ याद करना बता दो तो बच्चा याद कर लिया वह 16-16, 17-17 पेज याद थोड़ी होया करे हैं, तो भी हिसाब से चला करे हैं बच्चा ने भी। तो भी ये आज का मेरा वो लोग था और मैं तो बेटे को भी पढ़ा रही थी और नून तो कूलर चल रहा था, मम्मी सो रही थी, नून से टीवी चल रहा था, टीवी में वो कृष्ण लीला आ रही थी, जो अकबर हो गया था बंद, भगवान का नाटक आ रहा था, तो भी वो देख के सोया करा फिर मैं किटू, तो वो देख कर सोया कर फिर मैं अपना जो मतलब एडिट उडिट करनी है क्योंकि पहले मेरे को एडिट नहीं करनी आया करा थी, मैं एडिट कर लूँ हूँ अपने आप कर लूँ हूँ, मगर क्यों बच्चे को टेंशन दी क्योंकि बच्चे ने दबाव इतना हो रहा है, पहले स्कूल में जाओ थोड़ा बहुत टाइम मिले फिर फोन देखने की भी कोशिश करा है, फिर एकेडमी में भी जावे है, फिर रात को लेट आवे फिर ना आवे दो, फिर थोड़ा स्कूल का काम भी हो जावे है। तो फिर मैंने अपने आप ही सीख लिया, मैं अपने आप ही एडिट कर लिया करो, अब तो अपने आप ही आवाज़ दे लिया करो, पहले अजीब सा लगा था भी मेरे को नहीं आएगी लेकिन अगर सीखने बैठे तो कोई मतलब इसी बात नहीं है कि हम सीख नहीं पाते, संघर्ष करो हर काम में कामयाबी मिलती है। तो ये मैंने बेटे का याद करवा दिया था, तकरीबन मेरा छो भी उठ गया था, वहाँ करड़ा उठ गया था छो, मखा मकल जाऊंगी भाई ऐसे याद नहीं होंगे, कम से कम भी 15-15, 20-20 पेज मखा याद होया अगर बच्चा का तो मान लो वो भी जाओ तो भूल जाओगे, कच्चे पक्के आ इतने बड़े बड़े तो प्रश्नवाचक मतलब इतने बड़े बड़े तो अक्षर हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनाम, विशेषण, तो भी इतने बड़े बड़े तो मखा भूल जाओगे था, हम याद भी होगे तो भी आज का मेरा यही वो लोग था और ये छोटे छोटे टुकड़े में बस शाम के टाइम पर बना दिया था मैंने, मखा चलो बनाई देती हूँ। फिर ये मैंने नाइट ड्रेस पहन ली थी वो कपड़े, क्योंकि रात को है ना नहाने रात को नहाया करा, नहाए बगैर नींद नहीं आया करा, फिर मैंने साथ में सिर भी धो लिया था, मखा सिर में भी पानी गिर लूँ, गर्मी सी हो रही थी ज़्यादा, चाटी सी हो रही थी तो सिर में पानी गिर लिया था, और फिर पानी नहाए बगैर तो फिर नींद भी नहीं आती, फिर नहा भी ली थी, फिर मैं यो बोला मैंने पढ़ाने लग गया मम्मी, वैसे तो आ रही सर नाइट ड्रेस थी मैं इसलिए मैं चुन्नी से ढक रही थी, तो मखा चलो भी पढ़ा दूँ मैं, फिर इसको पढ़ाने लगी थी। और भी देखो फिर हो जाएगी मेरी वीडियो लंबी, देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कराया करो, शेयर भी कराया करो, देखो और भी सपोर्ट करो, बहुत सारा सपोर्ट करो, बस वहीं ही रुकगी। एक तो इसको मैं बहुत गुस्सा करी थी और उन्होंने बोला ना पढ़ाओ तो मखा इसे से फिर याद नहीं होया करते, तो मकल मखा मैं जाऊँगी मैडम के पास हम भी, मखा इसे तो पढ़ रहे हैं यूँ याद नहीं हुआ करा, तो मैं इसको गुस्सा करी थी बहुत ज़्यादा। तो यूँ कहा स्कूल में नहीं जाना क्योंकि बच्चे भी रहने इतने क्यों घबरावे हैं, तो यूँ भी रूस गया था तो मखा कदे एक ही बिना तक ला गया रही है मखा जय इन याद हो जावा तो अनु कदे भी पेपर होगा राम राम जी।